Hey guys, welcome है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक में। मोस्ट प्रीमियम स्मार्ट वॉच आ चुकी है मेरे पास, फायरबोल्ट के एमराल्ड। यस गाइज, यहाँ पे फायरबोल्ट ने एक स्पेशल पैकेज भेजा हुआ है और मेरे से रहा नहीं गया। एक्चुअली मैंने इसको ओपन कर दिया था, मैंने यहाँ पे फिर टेप लगा दिया है। इसको ओपन करते हैं, इस तरीके से खुलता है बेसिकली ये यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ये ओपन हो जाता है बॉक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो गाइज ये रही, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मिल जाता है, ये बेसिकली बहुत ही प्रीमियम स्मार्ट वॉच है। और दूसरा, ये गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत ही तगड़ी वॉच है। यहाँ पे इस तरीके से आपको एक पैकिंग मिल जाती है, इसमें आप किसी को भी दे सकते हैं वॉच रख के, ठीक है। काफ़ी अच्छा है गाइज, ये अलग से मिलता है आपको। और अगला क्या मिलता है आपको, ये मिल जाता है ऊपर से रखा हुआ, इसको हम निकाल लेते हैं। ओके गाइज, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तगड़ी पैकिंग है और मेन जो वॉच है इसमें रखी हुई है डब्बे में। तो गाइज मेरे को डब्बे डब्बे की ही वैल्यू लग रही है, अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये का ये डब्बे डब्बा होगा, काफ़ी हैवी है। और यहाँ पे आपको एक ये मिल जाता है, कार्ड मिल जाता है, यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है। और गाइज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सर्टिफिकेशन है बेसिकली। ये आपको स्वारवोस्की जो स्पेशल ऑथोराइज क्रिस्टल होते हैं, 12 पीसेस यूज़ करे गए हैं इस वॉच में इटसेल्फ, ठीक है। तो फायरबोल्ट के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी एक यूनिक आपको मतलब एक्सपीरियंस मिलने वाला है अनबॉक्सिंग का। मेन गाइज वॉच ही रही, तो गाइज काफ़ी अच्छा बॉक्स है गाइज वैसे इसका, देख सकते हो। और यहाँ पे इस वाले जो कैबिनेट को खोलते हैं, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है सबसे पहले, ये देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे ये क्या मिलता है, यूज़र मैनुअल है। और गाइज यहाँ पे एक छोटा सा टूल भी मिल जाता है, गाइज आप हैरान रह जाओगे देख के। यहाँ पे मैं टूल दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो ये टूल है गाइज, छोटा सा पेचकस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्टर टाइप का लग रहा है छोटा सा। और ये आपको कुछ यूज़र गाइड पैम्पलेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, जो आपको टिपिकल फायरबोल्ट के ब्रांड में मतलब मिलती है बॉक्स में, तो इस तरीके से आपको यूज़र मैनुअल मिल जाती है। इसको हम रख देते हैं। तो गाइज पैकिंग में बहुत लाजवाब काम किया है फायरबोल्ट ने, बहुत ही तगड़ा काम किया है डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, ठीक है। मेन अब वॉच पे आते हैं, उससे पहले यहाँ पे एक देख लेते हैं, एक और आपको स्ट्रैप मिल जाता है इसके अंदर रखा हुआ, जो कि काफ़ी स्नग वो है। और गाइज ये चेन वाला स्ट्रैप है, सबको ये चेन वाला स्ट्रैप मिलने वाला है इन द बॉक्स इटसेल्फ, ठीक है। प्राइसिंग मैं आपको आगे बताऊंगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, जैसे फायरबोल्ट की एलेवर थी उसी की तरह क्वालिटी लग रही है। और गाइज मेन वॉच इटसेल्फ, गाइज ये टॉप ऑफ द लाइन, यहाँ पे देख सकते हो गिफ्टिंग पर्पज के लिए टॉप की वॉच बन जाती है। किसी को गिफ्ट करना चाहते हो और प्रीमियम फील दिलाना चाहते हो, काफ़ी अच्छी वॉच ये बन जाती है। स्ट्रैप रिमूवेबल है, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे आपको स्ट्रैप मिल जाता है, आप इसको यहाँ पे इसमें टक इन कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। और गाइज इसकी प्राइसिंग जो है वो 6,000 रुपीज़ है। आई नो यहाँ पे ज़्यादा है प्राइसिंग, बट जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे फील दिया, लुक दिया इसका वॉच का, काफ़ी कमाल है गाइज, काफ़ी कमाल गाइज। एक्सपीरियंस मेरे को टॉप ऑफ द लाइन लगा, मेरे को यहाँ पे एप्पल की फील आ रही है, मतलब एप्पल का जो आप हर एक फोन अनबॉक्स करते हो तो अलग ही फील आता है, उस तरीके से यहाँ पे फायरबोल्ट की इस एमराल्ड वॉच का अलग ही फील आ रहा है, अलग ही यहाँ पे इनहैंड फील आ रहा है इसका। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे रखी हुई है, ओके पूरा यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो इसको आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। और वुमेंस के लिए स्पेशल खास कर ये टारगेटेड है और काफ़ी अच्छा यूनिक लुक आता है इस वॉच का बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, इसको स्कैन करके अभी हम चेक करेंगे। मेन गाइज ये वॉच डायमंड कट क्रिस्टल्स यूज़ करेंगे इसके अंदर, और इस तरीके से गाइज एक्सपीरियंस तो यहाँ पे मेरे को टॉप ऑफ द लाइन लगा गाइज। बेस्ट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके ग्रैब कर लो, नहीं तो डील निकल जाएगी। 599 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में ऑन सेल चल रही है ऑन यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन आप जाके चेक कर सकते हो। रोटेटेबल क्राउन के साथ आती है गाइज, ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। देखो गाइज कितना ज़्यादा यहाँ पे शाइन कर रहा है ये डिस्प्ले गाइज, मतलब बहुत ही कमाल का लग रहा है। देखो कैसे यहाँ पे वो कर रहा है, पूरा का पूरा डिफरेंट लाइटनिंग टाइप की लग रही है इसमें। और गैस मेरे हाथ पे तो अजीब लगेगी, ऑब्वियस बात है, लड़कियों के लिए खासकर बनी हुई है, खासकर काफ़ी अच्छी है। लास्ट मीडियम टू थिन टू स्किनी सारे रिस्ट पे चल जाएगी। पीछे आपको सेंसर मिल जाते हैं इस तरीके से देखने के लिए, और ये स्ट्रैप इसका रिमूवेबल है, ऑब्वियस बात है। ये कौन से कितने एमएम का है वो तो नहीं पता मेरे को, बट अगेन गैस एक स्ट्रैप आपको इन द बॉक्स इटसेल्फ मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। अब गैस यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं, होपफुली इसके अंदर बैटरी हो, और मैंने सोचा था आपके सामने इसको अनबॉक्स करूँगा। चलिए होपफुली बैटरी हो इसके अंदर, ओके गाइस इसमें बैटरी नहीं है, मेरे को चार्ज करना पड़ेगा वायरलेस चार्जिंग के थ्रू। ये है हमारा वायरलेस चार्जर, ओके ऐसे लगेगा, ओके अच्छा। यहाँ पे मैग्नेट है, पावर इसका अच्छी तरीके से फिट हो रहा है, काफ़ी सही है, ठीक है। तो चलिए इसको चार्ज कर लेते हैं, फिर हम आते हैं मेन वॉच पे, इसके सारे के सारे फंक्शंस को चेक करेंगे।
सो गैस फाइनली यहाँ पे मैंने इसको चार्ज कर लिया, और गैस ये जो डायमंड कट फिनिश है बहुत ही कमाल का लग रहा है गैस। डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस लग रहा है, यहाँ पे टच करने में इसका फील बहुत अच्छा है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए इसको ऑन करते हैं। और आई डोंट नो यहाँ पे कैसे इन्होंने अचीव कर लिया कि मतलब इस पर टच वर्किंग है प्रॉपरली। मतलब हैरानी वाली बात है, इस डायमंड कट फिनिशिंग है इतना ऊपर तक उठा हुआ है, ये 3D कर्व ग्लास है, 2.5D कर्व ग्लास नहीं है, और बहुत ज़्यादा डेलिकेट भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये पूरा का पूरा उठा हुआ है। और गैस इसमें टच प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन। और ये क्राउन की वर्किंग है, इतने छोटे डिस्प्ले में आपको क्राउन की वर्किंग मिल रहा है, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। और ब्राइटनेस लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। डिस्प्ले क्वालिटी मैं कहना चाहूँगा 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एमोलेड थी तो और मज़ा आता, बट अगेन गाइस इसकी डिस्प्ले क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन लगी मेरे को। डिस्प्ले एज टू एज मिलता है यहाँ पे, और बिल्कुल भी यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर यहाँ पे नहीं मिलते आपको, एकदम यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा कवर कर रखा है, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा और पतला होता बट अच्छा लगता था, बट अगेन गाइस तब भी अच्छा लग रहा है क्योंकि डायमंड कट फिनिशिंग मिलती है आपको। ठीक है, उसी के साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको पूरा का पूरा मेन्यू मिल जाता है, राइट साइड में आपको शॉर्टकट मिल जाता है जैसे मैंने आपको बता दिया, ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कंट्रोल है, बैटरी यहाँ पे शो कर देता है, यहाँ पे फाइंड माय फोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे QR कोड है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे कनेक्टिविटी शो करता है। और गाइस साथ में नीचे की साइड से अगर स्वाइप करते तो यहाँ पे आपको ये कनेक्टिविटी है शायद शो करता है। ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पे टैप करके ऑफ हो जाती है। तो गाइस इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए, लेटेस्ट अनबॉक्सिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील लाते रहते हैं, लो प्राइसिंग का आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना, वहाँ पे भी हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो गैस हाँ, फायरबोल्ट का भी इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो उसको फॉलो करना मत भूलना, लेटेस्ट अपडेट्स न्यू वॉचेस उनकी लॉन्च होती रहती हैं, तो वहाँ पे आता रहता है। यहाँ पे अगर मैं सेटिंग पे जाऊँ, सेटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया बेसिकली, यहाँ पे मेरे ख्याल से इधर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की वो शो करता है बेसिकली। हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, और सेंसर आपको देख सकते हो ग्रीन एक्शन का सेंसर जल रहा है इसमें, और हार्ट रेट को अगर एयर यहाँ पे चेक करें तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे बताएगा कि नहीं बताएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस जल रही है यहाँ पे देख सकते हो, तो गैस नो यहाँ पे नहीं बता रहा है, देख सकते हो यहाँ पे लास्ट डिटेक्शन दिखा रहा है, देखो ऑफ हो चुका है, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है उठ द एयर। उसी के साथ स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे नैप्स रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वर्कआउट रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है, अभी हम चेक करेंगे। म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, मतलब कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म भी आपका थ्रू द एप्लीकेशन लगता है, वेदर अपडेट मिल जाता है यहाँ पे इस तरीके से। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे टाइमर मिल जाता है सेट कर सकते हो, साथ ही में यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है लास्टली, सेटिंग लास्ट है हाँ, सेटिंग में जाते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आई थिंक जा चुका है ये, यहाँ पे सेटिंग पे जाते हैं, और स्क्रीन ड्यूरेशन यहाँ पे कितने सेकंड तक के आपको ऑन करनी है, तो 60 सेकंड तक का मैक्सिमम मिल जाता है। और रेस्ट ब्रेक यहाँ पे देख सकते हो कितने टाइम तक के लिए करना है आपको, और साथ में यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे हिंदी सपोर्ट करती है कि नहीं करती वो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हिंदी आएगा सपोर्ट नहीं करती है वॉच, और स्मूथ है UI तो यहाँ पे लैग नहीं कर रहा है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है काफ़ी वो है, और पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें। तो गैस अनविलिंगली फीचर ऐसे ऐसे दे रखे हैं जो मतलब पॉसिबल नहीं थे वॉच में, छोटी सी वॉच में दे रखे हैं बेसिक। काम करते हैं इसको एप्लीकेशन से पेयर करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन होगी वो भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। फिट क्लाउड नाम से आपकी एप्लीकेशन है बेसिकली, आपको उससे इसको पेयर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया है, इसको डाउनलोड कर दिया एप्लीकेशन को, और यहाँ पे बिना अकाउंट के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दो चीज़ें ऑन कर देनी है, लोकेशन सर्विस और ब्लूटूथ ऑन कर देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे BSW 066 आ चुकी है, और यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे बाइंड रिक्वेस्ट आएगी आपको, बाइंड सक्सेस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइस पे जाते हैं, तो ये रहा डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन आपको अलाउ करना है, तो यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो, यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे अलाउ कर देना है। ठीक है, कॉल अलर्ट भी यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो, यहाँ पे SMS नोटिफिकेशन। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फिट क्लाउड को परमिशन दे देनी, दैट्स इट, यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके आने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है। अब अलार्म सेट करोगे तो यहाँ पे ओनली वाइब्रेट करेगी, रिंग नहीं करेगी मेरे ख्याल से, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ऐड कर दिया है, अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ, 12 बज रहा है, तो उस हिसाब से हम 12:20 का 12:21 का लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डायल लाइब्रेरी मिल जाती है, तो डायल लाइब्रेरी में चेक कर लेते हैं कितने वॉच फेस मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखो वाइब्रेट हो रही है, अलार्म बज रहा है तो रिंग नहीं कर रही है। यहाँ पे वॉच फेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं गाइस, बहुत सारे हैं, मतलब ये 100 से ऊपर ही होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, और माई डायल पे जाके अपनी पिक को भी ऐसा वॉच फेस आप लगा सकते हो, यहाँ पे नहीं इस वाली पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा के देखते हैं पिक्सलेट होती कि नहीं होती है।
तो गैस पिक लग चुकी है, पिक्सलेट नहीं हो रही है। मैंने आपसे बोला था ना कि 1.09 इंच की डिस्प्ले, तो यहाँ पे पिक्सलेट नहीं हो रही है बिल्कुल भी, देख सकते हो यहाँ पे साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे टर्म्स ऑफ वॉच फेस तो मिल ही जाते हैं यहाँ पे। इन द वॉच इटसेल्फ आपको कुछ ही मिलते हैं, जैसे कि इसको टैप एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, चार पाँच मिलते हैं बेसिकली, देख सकते हो यहाँ पे, नहीं ज़्यादा मिल जाते हैं बेसिकली, यहाँ पे 10 तक मिल जाते हैं मेरे ख्याल से। तो गैस मेरा वाला क्या गायब हो गया, कैसा लग रहा है जो हमने अभी लगाया है वो तो गायब हो गया, आई गेस दोबारा लगाना पड़ेगा, नहीं रहा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, गैस 20 वॉच फेसेस, कमाल है गैस, कमाल डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोकल डायल का ऑप्शन देखने मिलता है, लोकल डायल क्या है ये, ओके ये रहे इतने, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, इसमें आपको नौ ही दिखते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे कैसे क्या है। उसके बाद वेदर रिपोर्ट्स दिखा देता है यहाँ पे, आप अलाउ करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन आपको ऑन कर देनी, दैट्स इट। उसके बाद आपका वेदर शो करेगा और लोकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च आउट कर लेगा। रेस्ट वेक यहाँ पे इनेबल्ड है और हार्ट रेट मॉनिटर 24/7 आप चेक कर सकते हो। रिस्ट प्रेफरेंस लेफ्ट या राइट को पहनना है वो चेक कर सकते हो। और आवर स्टाइल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, 12 आवर 24 आवर आप चूज़ कर सकते हो। फैक्ट्री सेट है और डिवाइस वर्जन मिल जाता है। शेक टू टेक पिक्चर्स का ऑप्शन देखने मिल जाता है, ठीक है। पुश नोटिफिकेशन कॉलिंग वॉलिंग वाला ऑप्शन आपको अलर्ट मिल जाता है, ठीक है। अब ये हो गई सारी की सारी चीज़ें। अब गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका स्पोर्ट्स मोड चेक कर लेते हैं एक बार, वर्कआउट चेक करते हैं वॉकिंग करके। सो गाइस मैंने यहाँ पे 50 स्टेप चले हैं और यहाँ पे आपका 51 दिखा रहा है। तो गाइस एक्यूरेसी तो यहाँ पे अच्छी मिल रही है वैसे, यहाँ पे हार्ट रेट की मतलब पीडोमीटर की बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है। सो गाइस बेसिकली एक फिटनेस वॉच है, कॉलिंग वॉच नहीं है। और मैंने एक प्रीव्यू बनाया था जिसमें मैंने इसको कॉलिंग वॉच बोला था, वो क्योंकि पोस्टर में दिख रहा था कि कॉल नोटिफिकेशन था एक्चुअली, वो कॉलिंग वाला ऑप्शन नहीं था पूरा प्रॉपर, और मैंने वो प्रीव्यू बना दिया था बेसिकली। तो इस वॉच में कॉलिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, बट ये वॉच उन सब के लिए खासकर बेटर है जो मतलब एक प्रीमियम फील चाहते हैं और डायमंड कट फिनिशिंग टाइप की वॉच चाहते हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी बेटर ये डील बन जाती है, ठीक है। और बेटर डील उनके लिए भी है, हर एक वुमेन के लिए ये वॉच नहीं बनी हुई है, ठीक है। स्पेसिफिक जो पब्लिक है उसको टारगेट करती है बेसिकली, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए जो वॉच देखना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील आता है। और ये बॉक्स ही बॉक्स इतना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बट इससे बेटर वॉच भी मिल सकती है आपको मार्केट में, यस, फायरबोल्ट की ही अगर आप देखें तो यहाँ पे फायरबोल्ट की एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉच आ जाती है 6000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। इवन इससे बेटर आपको फायरबोल्ट की जो एल्योर है वो देखने को मिल जाएगी। बट एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीमीटर है हमारे पास, तो यहाँ पे एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं हार्ट रेट की एक्यूरेसी, यहाँ पे राइट साइड में हम स्वाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्कैन हो रहा है। और 6000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ठीक है, एक स्पेसिफिक पब्लिक के लिए बेटर है, बट अगर आप कॉलिंग फैसिलिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉलिंग फैसिलिटी के लिए आपको जाना पड़ेगा फायरबोल्ट की एलियोर के लिए, एलियोर काफ़ी अच्छी वॉच बन जाती है, ठीक है। सेम उसमें भी इस तरीके का लुक मिलता है, बट उसमें आपको ये डायमंड कट फिनिशिंग टाइप का नहीं मिलेगा और डायमंड कट फिनिशिंग डिस्प्ले पे नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 91 हार्ट रेट दिखा रहा है यहाँ पे, 85 दिखा रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हो हार्ट रेट की एक्यूरेसी भी थोड़ी सी यहाँ पे आगे पीछे इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है। तो गाइस ये थे गिव डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग फायरबोल्ट की एमराल्ड के लिए। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।